शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना प्रादुर्भाव का प्रकोप शुरू है, तब वर्धा जिला यह ग्रीन जोन में है। हिंगनघाट शहर में शासन द्वारा मार्केट में भीड़ कम करने की कोशिश की जा रही है। शहर में पुलिस प्रशासन की ओर से शहर सुरक्षित रखने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। शहर के मुख्य मार्ग पे पुलिस द्वारा बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं। सभी मुख्य व्यापारिक क्षेत्र और भीड़ वाले रास्तों में आवश्यक हो तो ही जाने दिया जा रहा है, अन्यथा वाहन पार्किंग में रख पैदल जाने को कहा गया है, जिससे मुश्किल आम आदमी से लेकर व्यापारी वर्ग को हो रही है। नियोजन सही दिशा में नहीं हो रहा, जनता और व्यापारी वर्ग बोलते दिख रहा है। बैरिकेड लगाया हुआ है, पूरा रास्ता से सील किया हुआ है। इस सील करने से यहाँ से ग्राहक को बहुत तकलीफ हो रही है आने जाने में। जनता को, ग्राहक को यहाँ से 50-50 किलो का शक्कर का गोनी ग्राहक अपने सर पे लेके जा रहा है। वहाँ तक इतनी धूप में 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, अभी दोपहर का टाइम है, और इस पर थोड़ा शासन ने विचार करना चाहिए कि कम से कम जो पैदल जाने के लिए रास्ता जो है छोड़ना चाहिए। मेरी ऐसे रिक्वेस्ट है, हमारा बोलना ये है कि वहाँ से बाइक निकालने के लिए या कम से कम पैदल जाने के लिए रास्ता निकालना चाहिए। साथ साथ फोर व्हीलर तो बाइक तो भी आना चाहिए ना। ग्राहकों के आने जाने में बहुत तकलीफ हो रही है, यहाँ से सामान ले जाने में सर पे सामान लेके जा रहा है ग्राहक। मैं हिंगनघाटलाच राहतो, यशवंत नगर वार्डमध्ये। आता माझी गाडी तिथं रोकली आहे त्या चौकामध्ये। आता इथून मी माझं लंगडत पायाने चालता येत नाही बरोबर, तरी मी ते आता सामानाचं गाठोडं घेऊन मी तिथपर्यंत जाईन। म्हणजे मला हा त्रास जो होते ना, माझी जर गाडी इथपर्यंत आली असती हा मला त्रास नव्हता। म्हणून माझी अशी विनंती आहे की बा थोडा रस्ता खुला करून कमीत कमी बाईक ते दुकानपर्यंत यायला पाहिजे बा। म्हणजे सामान न्यायला ग्राहकाला सोयीस्कर होईल, मलासुद्धा सोयीस्कर होईल। मी एक आता इथे ग्राहक म्हणूनच आलेला आहे। आता मी सामान बांधीन, सामान घेतल्यानंतर मी माझ्या डोक्यावर घेईन आणि त्या चौकामध्ये जाईन, आणि त्या चौकामध्ये माझी गाडी ठेवणार, त्या गाडीवर ठेवून आणि नंतर मी जाईन। कारण माझ्या पायाने थोडं चालता येत नाही, माझ्या पायाला सुद्धा पण आहे। हा जो त्रास होता, हा रस्ता जर खुला केला तर हा त्रास कमी होईल ग्राहकांना, अशी माझी विनंती आहे। सहारा लेके पुलिस गवर्नमेंट को जो आम जनता सहारा दे रही है वो तो बहुत अच्छी बात है। उनको लड़के लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके वजह से जो दुकानदारी खोलने का जो टाइमिंग दिया हुआ है 2 बजे तक, वो दुकान तक हम पहुँचेंगे कैसा? जब वो बाजार में जाने ही नहीं दे रहे तो जाए कैसा?